ओके ओके सर, ठीक है, मैं शुरू कर देती हूँ। नमस्कार। विद्यार्थी गण, आज ये पहला जो हमको एक मौका मिला कि आज एक हिंदी की कक्षा को मॉडरेट करने का, तो हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे जो हिंदी के एकेडमिक कंसल्टेंट है अभिषेक जी उनका। और आज का जो हमारा विषय है, विषय के संदर्भ में जो आज एक नाटक पे आधारित है हमारा विषय, आधे अधूरे नाटक पे। और ये जो नाटक है ये मोहन राकेश द्वारा जी लिखित एक हिंदी का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। और जो इस नाटक में मुख्यतः मध्यवर्ती परिवार के वैवाहिक जीवन की विडंबना को चित्रित किया गया है। और इसमें तीन स्त्री पात्र तथा पांच पुरुष पात्र हैं। और इन पांच पुरुष पात्रों में जो चार पुरुष पात्र हैं, इनका जो भूमिका है एक ही पुरुष पात्र ने निभाया है। और यह चूंकि यह हिंदी नाटक हमारे आजादी के प्रारंभिक दशकों में लिखा गया, तो ये उस समय का एक नया ढंग का प्रयोग था। क्योंकि इसमें पारिवारिक जो परिवार का है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से संतरास को का भोग करता है। तथा ये जो नाटक है आम बोलचाल वाली भाषा में लिखा गया, इसमें कोई अलंकारिक या फिर उच्च कोटि की भाषा का प्रयोग किया नहीं गया। क्योंकि जो जनमानस को समझ में आए और जनमानस को प्रभावित कर सके, उसी संदर्भ में इस नाटक को लिखा गया है। और इसी संक्षिप्त विवरणी के साथ अभी मैं हमारे जो आज के विषय के जो प्रवक्ता हैं, डॉक्टर प्रवीणा बसंती जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं हमारे महिला महाविद्यालय संबलपुर से, मैं उनको अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि मैम अपना कक्षा शुरू करें और हमको ये जो आधे अधूरे नाटक हैं इनके ऊपर एक आलोकपात करें। डॉक्टर प्रवीणा मैम। हेलो प्रवीणा मैम। हेलो देवाशीष। हेलो। हाँ मैम को थोड़ा फोन। हाँ यस यस मैम, यस मैम, हम आप जी। हाँ, जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ मैडम, आपकी आवाज आ रही है मैम हाँ जी, ठीक जी। है। तो आज हम जो है मोहन नाटक, सॉरी, मोहन राकेश के नाटक जो है आधे अधूरे पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेलो। जी मैम, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जितने भी यहाँ पे जो विद्यार्थी गण हैं उनसे कुछ पूछना चाहूंगी, उनसे कुछ वार्तालाप करना चाहूंगी, एक संवाद बिठाना चाहूंगी कि आप लोगों के इस पाठ्यक्रम में जो नाटक मोहन राकेश का रखा गया है, क्या आप लोगों ने उनको पढ़ा हुआ है, उनके नाटक को? हेलो हेलो, किसी से भी? यस। अच्छा, यहाँ पे वसुंधरा महर ने यस कहा है, लक्ष्मी प्रिया मिश्र ने भी हाँ कहा। चलो, बढ़िया है कि आपने जो है इस नाटक को पढ़ा हुआ है, काफी अच्छी बात है। और इस नाटक को जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं और जैसे आप जानते हैं कि हिंदी जो नाटक है ये गद्य विधा है, और जैसे नाटक की परंपरा भी आप देखते आ रहे हो कि जिस प्रकार से नाटक की परंपरा रही है। पहले हम बहुत आगे नहीं जाएंगे, संस्कृत में भी बहुत से जो है नाट्य लेखन या नाट्य परंपरा हम देख सकते हैं, और लोक नाट्य की परंपरा भी हमारे भारतीय समाज में या हमारे इसमें साहित्य में रही हुई है या रची बसी है, हम देख सकते हैं इन सबको। और नाटक की परंपरा, अगर हम हिंदी नाटक की बात करें तो हिंदी नाटक में जो है सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम देखते हैं कि उनके उनके जो है उन्होंने जो है हिंदी नाटक की शुरुआत जो है उनमें उनके युग से होती है, और उसके बाद
भारतेंदु युग में बहुत सारे जो है मौलिक नाटक और अनुदित नाटक भी हमको देखने को मिलते हैं। उस समय के जो भारतेंदु मंडल में जो भी साहित्यकार थे भारतेंदु मंडल के अंदर में या उससे इतर में, उन्होंने जो है बहुत सारे मौलिक नाटकों के और अनुदित नाटकों के लेखन के क्षेत्र में भी जो है अपना योगदान दिया। उसके बाद देखते हैं कि द्विवेदी युग में एक प्रकार से नाट्य जो परंपरा है उसमें एक प्रकार से हिंदी नाट्य परंपरा में क्षीण या कहे कि ह्रास हमें दिखाई देता है, क्योंकि इस समय या इस दौर में जो है हमें जो है केवल नाटक के अनुदित रूप ही हमको अधिकतर जो है देखने को मिलते हैं। और आगे चलकर प्रसाद युग आता है, और प्रसाद युग में हम देखते हैं किस प्रकार से प्रसाद जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रसाद नाटक लेखन के क्षेत्र में प्रसाद के नाटक बहुत ही अधिक जो है लोकप्रिय रहे, और प्रसाद जी जो है ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने जो है नाटक के क्षेत्र में एक नई जो है नाट्य शैली जो है हिंदी साहित्य को प्रदान की। और इस प्रकार से जो है प्रसाद के बाद के युग में जो है आधुनिक युग में हम आते हैं तो नए नाटक आदि को हम देख सकते हैं स्वतंत्रता के बाद में। तो स्वतंत्रता के बाद में जो है कई प्रकार के जो है नाटक का, जैसे उनमें जगदीश चंद्र माथुर है, मोहन राकेश जी हैं, ऐसे बहुत सारे जो है सफल और जो है अच्छे नाटककार लोकप्रिय नाटककार हुए हैं। और इनमें भी जो है जैसे अब साहित्य में नई कहानी, और इस समय यह दौर था नए नाटक का, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कि मोहन राकेश का जो नाम है नई कहानी के लेखन के क्षेत्र में भी लिया जाता है, कमलेश्वर जी आते हैं मोहन राकेश, इसी प्रकार से नई कविता आदि भी जो है लिखी गई थी। इस प्रकार से नए नाटक जो है स्वतंत्रता के बाद जो है एक नई नाटक की जो है परंपरा हमको दिखाई देती है। और जिस प्रकार से इस समय या इस दौर की एक विशेषता रही है कि इसमें जो है आप देखोगे कि किस प्रकार से जो है लोगों का गाँवों से शहरों की ओर पलायन होना, और एक प्रकार से शहरी जीवन में भी जो है लोगों में एक कुंठापन, एक त्रास, एक एकांकीपना या कह सकते हैं इसको एक अकेलापन या शून्यपन जो है उनमें दिखाई देने लगा। एक ये सारी जो त्रासदी जो है उनके जीवन से जो में जो है घटित होने लगे, और कहीं ना कहीं लेखक भी जो है इस सब समस्याओं से जूझते दिखाई देते हैं इस समकालीन परिवेश में या समकालीन परिवेश से। और उनमें भी जो है हमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो है चिंताग्रस्त स्थिति या फिर इस प्रकार की जो है मनस्थिति से वे भी रूबरू होते हुए उनकी रचनाओं में हमको इसके दर्शन जो है मिल जाते हैं, ठीक है। तो आजादी के बाद में जो है मोहन राकेश की जो कहा जो आधे अधूरे की जो मैं चर्चा यहाँ पे कर रही हूँ उसमें मोहन राकेश जी ने जो है मध्यवर्गीय परिवेश जो है अपने जो है कथानक लिए या मध्यवर्गीय परिवेश को यहाँ पे उन्होंने जो है दिखलाया है या परिवार को जो है मध्यवर्गीय परिवार को इस अपने इस आधे अधूरे नाटक के माध्यम से जो है चित्रित करने जो समकाल या उस समय के दौर को जो है दिखाया कि किस प्रकार का जो है मध्यवर्गीय परिवार है, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन राकेश में के नाटक में सबसे पहले तो यहाँ पे यह उल्लेख करना चाहिए कि आखिर ये मध्यवर्गीय परिवार है क्या। तो मध्यवर्गीय परिवार से आप सब वाकिफ है कि हम मध्यवर्गीय परिवार किसे कहते हैं या नहीं है, तो भी मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश में या हमारे समाज में जो है पहले दो ही वर्ग हुआ करते थे, एक तो उच्च वर्ग थे और एक निम्न वर्ग थे, ठीक है। तो उच्च और निम्न वर्ग के बीच जो ये मध्य वर्ग जैसा कोई वर्ग उस समय नहीं था, और ये अंग्रेजों के आने के बाद, ठीक है, बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि यह जो वर्ग है ये 19वीं शताब्दी के बाद जो है इस मध्य वर्ग का उभर कर आना हुआ। और इस प्रकार से जो है ये जो वर्ग है मध्यवर्ग 19वीं शताब्दी के बाद जो है एक जो है वो एक वर्ग के रूप में जो है मध्यवर्ग उभर कर आया। और इस वर्ग को जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वर्ग को मार्क्स ने एक प्रकार से जो है उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है वर्ग संघर्ष की जो है ऐतिहासिक विवेचना विकास की जो विवेचना करते हुए उन्होंने उच्च निम्न और मध्य वर्ग को ही क्रमशः रूप में जो है बुजुर्गवा और प्रोलेटेरियत और
पैटी बुजुर्गा का है। तो इस प्रकार से जो है उच्च, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, ये तीन वर्ग जो है हमारे समक्ष आते हैं। और ये जो है मध्य वर्ग की विशेषता यह है कि यह वर्ग जो है एक पढ़े लिखे लोगों का वर्ग है, और ये जो है जो भी उस समय जो है अंग्रेजों के आने के बाद में जो भी उन्होंने जो है सरकारी नौकरियां या फिर जो है संस्थान आदि जो भी स्थापित किया, और उसमें जो है इन वर्गों को जो है जैसे सरकारी नौकरी या फिर जो है गैर सरकारी संस्थानों में ऊंचे नीचे, ऊंचे 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 या फिर छोटे छोटे पदों पर जो है इन लोगों को नौकरी पेशा के रूप में जो है स्थापित कर लिया, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर या फिर वकील आदि, लेखक या फिर जो है इंजीनियर या व्यापारी आदि के रूप में जो है इनको उन्होंने जो है इस स्थापित किया। और यही जो है लोग जो है मध्य वर्ग के रूप में जो है उभर कर आते हैं, और इनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी जो है अपनी जीवन के प्रति इनकी अपेक्षाएं हैं जो इनको पूरा करने के लिए हमेशा से जो है ललायत रहते हैं, और इसीलिए जो है ये हमेशा जो अपने आप से जो है टकराते रहते हैं। और इस प्रकार से जो है ये मध्य वर्ग एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह वर्ग जो है लगातार असंतुष्ट, अनिश्चित या फिर जो है चिड़चिड़ापन इनमें देख सकते हैं, या निराशा या फिर मूल्यहीन या फिर इसमें जो है कुंठित, ये वर्ग जो है एक प्रकार से हमें दिखाई देता है, या इनमें जो है ये सारी चीजों को, ये स्थितियों को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन राकेश ने जो है आधे अधूरे के माध्यम से, जैसे आधे अधूरे शब्द से ही विदित है कि इनकम्प्लीट, ठीक है, यह अधूरापन जिसमें जो है पूर्णता नहीं होती है। तो ये जो है इन्हीं मध्यवर्गीय परिवार को मोहन राकेश ने आधार बनाकर, वो भी शहरी मध्यवर्गीय परिवार को आधार बनाकर, इसमें से जैसे आप अगर मोहन राकेश को बहुत से लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो उसमें जो है बहुत सारे ऐसे पात्र को हम देखें, पात्र को देखें उसमें, जैसे आप लोग जानते हैं कि महेंद्र नाथ है, सावित्री है, और उसकी उनकी जो है उनकी दो बेटी हैं, बिन्नी है, किन्नी है, अशोक है, बेटा अशोक है। तो ये सारे जो है पात्र हैं घर में, परिवेश में, और इनको और जो है अन्य जो है हालांकि आरफ में लेखक ने जाति सूचक उनके लिए पुरुष पात्रों के लिए जैसे पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन, पुरुष चार, इस प्रकार से प्रयोग किया। बाद में उनको जो है विषय को सामान्य बनाने के लिए उन्होंने जो है उनके जो है व्यक्तिगत नामों से जो है उनको संबोधित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें पात्र हम जो है इस नाटक में देख सकते हैं, और इन पात्रों के माध्यम से ये एक जो है मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और इस जो आधे अधूरे का जो कथ्य है, जैसे कि मैंने कहा ये मध्यवर्गीय परिवेश या फिर शहरी जो है शहर के जो मध्यवर्गीय परिवेश से ताल्लुक रखते हैं, और ये जो है जैसे कि कथा के आरंभ में अगर आप लोग नाटक पढ़े हो तो इसमें आप देखोगे कि कथा के नाटक के प्रारंभ में ही किस प्रकार से दिखाया गया है कि उसमें जो है दिल्ली महानगर का परिवेश दिखा देता, और आरंभ भी जो है यहाँ पे जो है वहाँ पे कथा के परिवेश को दिखाकर होता है, और वहाँ पे आप देखोगे कि किस प्रकार से जो है उस परिवार की स्थिति को पढ़ने के दौरान, नाटक को पढ़ने के दौरान आप देखोगे कि किस प्रकार से जैसे मध्यवर्गीय में भी उच्च, मध्य और निम्न मध्यवर्गीय परिवार होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस जो आधे अधूरे नाटक है, इस नाटक में यह परिवार की स्थिति, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से जो है चीजों को बयां किया गया या कही गई है, दिखाने का प्रयास किया गया है मोहन राकेश के द्वारा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे आरंभिक स्थिति जो है परिवार की कैसी थी, किस प्रकार से जो है यह परिवार जो है एक व्यवसायी परिवार था, और फिर जहाँ पे एक घर जिस प्रकार का मध्यवर्गीय घर होता है उसमें सोफा सेट, कबर्ड, डाइनिंग, फिर ड्रेसिंग टेबल, और फिर जो है फ्रिज, इस परिवार ने फ्रिज भी जो किश्तों में ली, इस
सारी जो है सुख सुविधाएं की चीजें जो है उनमें, और बच्चों का अच्छी जगह पढ़ाई करना कॉन्वेंट स्कूल में आदि जो है यहाँ पे दिखाया गया, और किस प्रकार से जो है उनका एक रूप में यहाँ पे देख सकते कि परिवार की स्थिति किस प्रकार से रही थी, और इनका जो है अच्छी तरह से जो है इनका रहन सहन था एक मध्यवर्गीय परिवार की, एक प्रकार से इसमें उच्च मध्य परिवार की स्थिति को दिखाया, और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से यही उच्च मध्य वर्गीय परिवार किस प्रकार से निम्न मध्य वर्गीय परिवार की ओर जो है अग्रसर करता है, और किस प्रकार से लोगों में, परिवार के लोगों में जो है एक प्रकार की कुंठा, एक प्रकार की जो है वितृष्णा दूसरे एक दूसरे के प्रति दिखाई देती है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं कह रही थी कि एक परिवार की स्थिति को मध्य उच्च मध्य वर्गीय परिवार की स्थिति को दिखाया गया आरंभ में, और फिर इसी बीच में यह भी दिखाया गया कि महेंद्रनाथ के माध्यम से कि किस प्रकार से फैक्ट्री के बंद हो जाने से, महेंद्रनाथ जो है बिल्कुल जो है कर्जदार हो जाता है और बेरोजगार और निकम्मा बन जाता है, और परिवार में हर एक सदस्य जो है, जो दो बेटी हैं या बेटा जो अशोक है ठीक है, उनमें भी जो है एक प्रकार से जो है फैक्ट्री बंद हो जाने से या महेंद्रनाथ के काम नहीं करने से उनमें भी जो है परिवर्तन दिखाई देता है। बेटे बेटे का पढ़ाई जो है बीच में छोड़ देता है, या और फिर जो है नौकरी भी वो छोड़ देता है, और बड़ी बेटी जो है घर से भाग कर माँ के जो प्रेमी होती है उसी से जो है विवाह कर लेती है घर से भाग कर चुपचाप से ठीक है, और छोटी लड़की जो किन्नी होती है, किन्नी इतनी अधिक जो है उनमें विद्रोह भाव रहता है, और वो किसी प्रकार से जैसे तैसे पढ़ रही है, और वो जो है प्रतिदिन जो है किडनी में देख सकते हैं कि एक प्रकार का कुंठा और कुंठित उसमें जो है कुंठित पना और एक उद्दंड जो पना है वो उसमें जो है दृष्टिगत होता है, और सावित्री जो है जो स्त्री पात्र है जो महिला है सावित्री जो मुख्य पात्र भी है इस नाटक की, और सावित्री जो है बेहतर जिंदगी के लिए घर की बेहतर जिंदगी के लिए जो है वो घर से बाहर काम करती है, और इस प्रकार से जो है वो, और अपने पुरुष में वो एक प्रकार से अधूरापन या फिर उसमें जो है किसी ना किसी प्रकार से उसको पूर्ण पुरुष की जो तलाश होती है उनमें जो है उनमें दृष्टिगत नहीं हो पाता, और इसलिए जो है किसे पूरे पुरुष की तलाश में यहाँ वहां भटकते और नौकरी करते हुए जो है यहाँ पे दिखलाई देते, और किसी प्रकार से जो अपने घर की गाड़ी जो है वो चला रही होती। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक परिवार जो है किस प्रकार से शहरी जीवन का जो परिवार है वह किस प्रकार से जो है अपने आप को या अपने आसपास के लोगों के साथ में जो है यहाँ पे रह रहा, और किस प्रकार की जो है स्थिति एक प्रकार से इस परिवार के माध्यम से, इस एकल परिवार के माध्यम से लेखक ने, मोहन राकेश जी ने सामान्य रूप से जो है एक मध्य परिवार की स्थिति या परिस्थिति को या मध्य वर्गीय परिवार को दिखाया है, और यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये जो है समाज में जो है ये एक आधे अधूरे के माध्यम से ये लोग जो है किस प्रकार से अभिशप्त जो है जीवन जीने का जो है ये पूरा आधे अधूरे जो नाटक ही है वो एक प्रकार से जो है इन सभी लोगों के, समाज के ऐसे ही तमाम लोगों के जो है अभिशप्त जिंदगी का प्रामाणिक जो है दस्तावेज हम इसे कह सकते हैं, और इसमें जो है इन्होंने इनके जीवन में देख सकते हैं कि ये सब इनकी जो इच्छाएं हैं, इनकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी जो और उपलब्धियां को ये जो है भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़कर इन लोग जो है देखते हैं मध्यवर्गीय वर्ग, और इस प्रकार से जो है जो भी उनके हाथ में आता है वो भी जो है जो भी उनके हाथ में रहता है या उनकी मुट्ठी में रहता है वो भी रेत के समान जो है वो फिसलता जाता है, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक होती हैं कि इन महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते जो है ये जो है जो उनके हाथ में धरा रहता है या जो उनके हाथ में होता है वो भी जो है उनकी मुट्ठी में होता है वो भी रेत की तरह जो है हाथ से फिसलता रहता है। आप यहाँ पे इसका संकेत जो है आपके इसके संवाद में जो है आपके नाटक के संवाद में आपको मिल सकता है, जहाँ पे जो है आप अगर नाटक पढ़े हो तो इनको याद होगा, बहुतों ने पढ़ा है, तो उन लोग उनमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से पुरुष चार जो है
सावित्री से संवाद करता है तो वो कहता है कि जो है जीवन की महत्वाकांक्षाओं या जो आकांक्षाएं हैं या फिर जो भी जो है जिस प्रकार सावित्री से बात करता हुआ कहता है कि जो सावित्री की जो अपेक्षा होती है वो बहुमुखी होती है और अनंत होती है, और वो उनको समझाता हुआ कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में है वो भी जो है मुट्ठी जो मुट्ठी में वो भी रेत की तरह जो है हाथ से फिसल रहा है, क्योंकि हम जो है एक आकांक्षाओं को पकड़ने के पीछे या एक को पकड़ने के पीछे कहीं दूसरे या तीसरे को जो है छोड़ते चले जाते हैं, और इस प्रकार से जो है जो हमारे बस में होता है जो हमारे हाथ में होता है वो भी रेत की तरह जो है हाथ से फिसलता चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है संवाद जो है बहुत मायने रखते हैं यहाँ पे, और इसमें जो है नाटक में जो है इस परिवार की जो है स्थितियों को हम देख सकते हैं। ये जो है पुरुष चार और सावित्री के माध्यम से दिखाया गया है कि वास्तव में जो है मध्यवर्गीय परिवार का जो है परिवार की स्थिति क्या है, और वहाँ पे लोग जो है किस प्रकार से जो है जो है अपनी आकांक्षाओं को या जो अनंत जो उनकी जो है महत्वाकांक्षाएं उसको पकड़ उसको जो है बटोरने के चक्कर में या उसको पकड़ने के चक्कर में उनके हाथ में अंततः जो है कुछ भी जो है नहीं लग पाता है। इस प्रकार से जो है वो एक प्रकार के विडंबना या फिर अधूरेपन के जंगल में जो है या बिखराव या छटपटाहट या टूटन या फिर आक्रोश के जंगल में ही जो है अपने आप को इस मध्यवर्गीय परिवार जो या मध्यवर्गीय परिवार का जो चरित्र है या जो समाज है वो अपने आप को पाता है, यह हम यहाँ पे सांकेतिक रूप में देख सकते हैं या उनके वार्ता संवाद के माध्यम से भी जो है परिलक्षित हो जाता है। और यहीं पे जो है यहाँ पे लेखक ने ये दिखाया है कि यहाँ पे विडंबना यह है कि आधे अधूरे में के बावजूद जो है यहाँ पे सारे जो व्यक्ति है वो जो है आधे अधूरा आधा और अधूरा है। यहाँ पे कोई जो है किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से जो है पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का कोई सामंजस्य संतुलन जो है या कोई समीकरण जो है यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता। और इस प्रकार से जो है बच्चे भी जो बच्चे ऐसे परिवार में जाहिर सी बात है कि बच्चे भी जो है विकृतियों के ही शिकार होते हैं, जहाँ असामंजस्य या संतुलन या समीकरण नहीं बैठ पाता तो एक दूसरे के प्रति परस्पर विरोधी भावना ही जो है यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखलाई देती है, और इस परस्पर विरोधी भावनाओं के बावजूद वे ऐसे रहते हैं जैसे एक चिड़ियाघर में एक दूसरे को खाने या फिर एक दूसरे को चीर फाड़ करने तक को जो है आमादा हो जाते हैं, और बाद में जो है उसी परिवार में उसी सदस्यों के साथ रहने को भी वो विमर्श हो जाते हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य यहाँ से कि इस परिवार से या इस जो है झंझावत से जो है उसको मुक्ति नहीं मिल पाती है। जैसे आप देखोगे कि किस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि बच्चे भी विकृतियों का शिकार हो जाते हैं ऐसे परिवार में, और जैसे कि बिन्नी पात्र को ही देख ले कि उसकी माँ की प्रेमी जो मनोज उनके घर आना जाना करता था वह कहीं ना कहीं एक जरिया जैसे उसके बेटा अशोक कहता है कि तुमने भी तो इस घर से भागने का जरिया निकाल लिया था, यानी कि उसे यह कहना चाहता है कि तुम भी जो इस परिवार में नहीं रहना चाहते, ये अपने आप को व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को इस जो है विडंबना से इस प्रकार के झंझावतों से मुक्त करना चाहता है फिर भी जो है वो मुक्त नहीं हो पाता है। और यही बिन्नी जो है उनकी माँ की प्रेमी जैसे मनोज से भाग के शादी कर लेती है, और जिस प्रकार की बच्चों में विकृतियां आती है जैसे छोटी बेटी है किन्नी उसमें जैसे मैंने कहा कि एक विद्रोह भाव उत्पन्न हो जाता है, और वो लड़की इतनी सिर चढ़ी होती है मुंहफट होती है और जिद्दी होती है, और उनकी रुचि जो है आप देखोगे कि आप पढ़े हो तो आप उसमें देखोगे किस प्रकार से जो है किन्नी की रुचि जो है एक एक प्रकार से जो है विकृत उनकी यौन संबंधों में और जो है चली जाती है, और उसकी जो है उस वो जो है इस सब में चीजों में रुचि रखने रहती है और बिल्कुल मुंहफट हो जाती है और जिद्दी हो जाती है, और एक बिगड़ी सी यहाँ पे लड़की के रूप में किन्नी जो है उभर कर आती है। और वहीं अशोक में के चेहरे अशोक को भी देखेंगे तो उसमें भी एक कड़वाहट परिवार के प्रति, हालांकि वो जो है उनमें जो है अपने प्रति पिता के प्रति करुणा भाव है तो वही माँ के प्रति उनमें जो है आक्रोश दिखाई देता है। तो वही अशोक के चेहरे में जो है हमें एक प्रकार की कड़वाहट दिखाई देती है, और वो जो है आज की जो युवा पीढ़ी है
उसका जो है कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है जो आक्रोश या फिर जो है जिनमें आक्रोश अस्वीकार और पलायन की जो है पलायन की जो है एक दर्शन होते हैं या झलकता है, ठीक है। और वहीं जो है अब अन्य पात्रों को, अन्य पात्र भी है, जैसे जैसे मैंने कहा था कि इसमें शिवजीत है, जगमोहन है और जुनेजा है, सिंघानिया है, ये सारे पात्र भी, पुरुष पात्र भी है जिस पर एक स्त्री जो है भारी पड़ जाती है। और ये स्त्री जो है अपने पूर्ण पुरुष की तलाश में इधर से उधर, उधर से इधर, एक पुरुष से दूसरे पुरुष, दूसरे पुरुष से तीसरे पुरुष की ओर आकर्षित होती रहती है, किंतु उनको जो है पूर्ण पुरुष जो है कहीं नहीं मिल पाता है। और ये जो है आपको संवाद जब चौथा पुरुष यानी कि जुनेजा जब सावित्री से बात करता है, आप नाटक में देखोगे कि अंतिम मोड़ पे जब नाटक आने लगता है तो वहां पे जब संवाद होती है तो वो उनसे कहता है कि पहले मैं, फिर शिवजीत, फिर जगमोहन, सिंघाना आदि आदि की बात वो करता है। और इस प्रकार से वो कहता है कि कहीं ना कहीं जो है तुम पूर्णता की तलाश करते हो। इस संवाद से संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं पूर्णता की तलाश में हो, लेकिन तुम्हें पूर्णता जो है वो नहीं मिल पाती। और इस प्रकार से जो है स्त्री की सावित्री, जो स्त्री पात्र है यहाँ पे, सावित्री के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया कि किस प्रकार से मुख्यतः रूप से जो है सावित्री के माध्यम से ही जो है यहाँ पे इस जो है मध्यवर्ग के परिवार की जो है महत्वाकांक्षाओं की अपूर्णता या उनमें छटपटाहट या फिर एक टूटन और चिड़चिड़ाहट जो है वो देखने को मिलती है। और इसलिए जब वो परिवार में रहती है सावित्री तो चिड़चिड़ाहट उनमें रहती है, एक प्रकार का जो है आक्रोश और बिखरावपना का जो है स्थिति उनमें बना रहता है। तो इस प्रकार से स्थिति सावित्री को हम यहाँ पे देख सकते हो। और इस प्रकार से जो है मोहन राकेश के इन समस्त नाटकों में आपको अगर देखा देखा जाए तो इनके नाटकों में सभी पात्र या फिर जो पात्र है इनमें या फिर उनकी जो भी मनस्थिति है वो किस रूप में जो है परिस्थिति या हालात के अंदर रहते हुए जो है परिवर्तित, और जो माहौल है, जो परिवेश है, उस परिवेश में किस प्रकार से उन लोगों को प्रभावित किया है या किस प्रकार से वे प्रभावित हुए है, उन सबकी मनस्थिति इनसे जो है इन पात्रों के माध्यम से जो है हमको दृष्टिगत होती है। और इस पात्रों में जो है आप जैसे जैसे आपने पढ़ा है कि इसमें कि किस प्रकार से जो है नाटक में जो है स्त्री जो है शुरुआत से लेकर अंत तक जो है, हालांकि वो जो है इस विवाह के बंधन में या इस परिवार से बंधी हुई है, फिर भी वो जो हर एक सदस्य जैसे स्त्री ही क्या, जैसे महेंद्र नाथ भी या फिर कोई ना, हर जैसे बिन्नी हो गई, हर हर कोई जो सदस्य इस परिवार के, इस परिवार से जो है या इस परिवार के जो है झंझावतों से या फिर इससे जो है मुक्त होना चाहता है, किंतु वो जो है मुक्त होकर भी जो है मुक्त नहीं हो पाता है और पुनः जो है लौट आता है। अंततः आप देखोगे कि किस प्रकार से जो है महेंद्र नाथ भी जो यह विचार करके जाता है कि वापस वापस वो नहीं आएगा परिवार में, या फिर सावित्री भी जो है जाने को वो भी सोचती है कि यहाँ से चले जाए परिवार से, और किंतु वो जो है पुनः लौट कर आता है और महेंद्र नाथ भी जो है अंततः जो है वापस अपने इसी परिवार के बीच में आ जाता है। इस प्रकार की स्थिति हम यहाँ पे देख सकते हैं इन नाटकों में कि किस प्रकार से जो है अंततः मनुष्य या फिर जो पात्र है या जो चरित्र है यहाँ के जो है वो वापस जो है पुनः लौट के जो है इसी जो है खेमे में आ जाता है, वे अपने आप को यहाँ से जो है मुक्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे मोहन राकेश के इस नाटक में आप देखोगे कि किस प्रकार से ये एक सामाजिक यथार्थ को, वो भी मध्यवर्गीय परिवेश या परिवार की जो है सामाजिक यथार्थ को मोहन राकेश ने यहाँ दिखाया है। और उसमें भी पात्रों के माध्यम से उन्होंने जो है जिस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था जो है तेजी से बदल रही है, किस प्रकार का जो है पात्र
चरित्रों में जो है के भीतर जो है जिस प्रकार से जो है यौन कुंठा, अपूर्ण महत्वाकांक्षाएं, फिर असफलताओं और जो है अनजाने डरों से उद्भूत जो है घृणा, तनाव, एक रिक्तता, चिड़चिड़ाहट या फिर छटपटाहट, टूटन और आक्रोश जो है या जो बिखराव है उसको जो है यहाँ पे दिखाया गया है मोहन राकेश ने इस पात्रों के माध्यम से या मध्यवर्गीय जो है चरित्र परिवार के माध्यम से। और इस परिवेश में ये कहीं ना कहीं जो है हालांकि नाटक जो है जैसे कि ये 1969 में लिखा गया था और तब तक जो है मध्यवर्गीय एक परिवार जो है शहरों में गांव से जो भी लोग भाग के आए थे वे एक जो है शहरों में आकर एक मध्यवर्गीय परिवार के रूप में नौकरी करने लगे या वहां पे रहने लगे। और वहां की जो है जो परिवेश है जो यथार्थ परिवेश था जो उस वक्त का या फिर उस समाज का उसको जो है यहाँ पे दिखाने का सफलतापूर्वक दिखाने का या उस यथार्थ को यहाँ पे रखने का मोहन राकेश ने प्रयास किया है इस आधे अधूरे नाटक के माध्यम से। और यहाँ पे पात्रों के माध्यम से ही हम जो है यहाँ पे उन जो है आधुनिक युग या फिर जो है नए जो है आधुनिक समाज में या स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुए जो मध्यवर्गीय समाज है उसमें हम किस प्रकार उनमें जो है कुंठाएं या उनमें जो है एक प्रकार की त्रासदी या सफलता या फिर जो अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की जो लालसा है और ना पूर्ण होने पर किस प्रकार से टूटन और बिखराव उनमें उत्पन्न हो रहा है या उनको जो है उनमें उनके मन मनस्थिति में घर कर रहा है, इन सभी स्थितियों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और कहीं से भी और ये जो है एक यथार्थ है इसमें जो है कहीं भी जो है किसी प्रकार के जो है समझौते या सामंजस्य की भावना जो है यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। और यहाँ पे जो भी पात्र हुए हैं परिवार के पात्र हैं वो अपनी स्थिति या परिस्थिति को किसी ना किसी प्रकार से जीने के लिए व्यवस्थ है, ना तो उससे बाहर जा सकते हैं ना ही जो है इसमें जो है बंद कर रहने की उनमें चाहे, लेकिन वो हालात ऐसे हैं कि वो उनको जो है किसी भी हाल में इसी परिस्थिति या फिर इसी माहौल में या इसी जो है परिवेश में उनको जीना पड़ता है या रहना पड़ता है। और यही जो है वास्तविकता जो है आज के मध्यवर्गीय समाज की हम देख सकते हैं कि वे जो है इन्हीं वास्तविकताओं के साथ में या इन्हीं जो है विडंबनाओं के साथ में जीने को या इस परिवेश में रहने को विवश है। और यहाँ पे जैसे कि और अगर बात करें तो अन्य चीजों की जैसे भाषा है या फिर इनकी जो है संवाद है तो ये सब जो है परिवेश के माध्यम से या फिर जो है कह सकते हैं कि जो भी तनाव जो है पारस्परिक संबंधों में जो भी तनाव है या बिखराव है उन्हीं के अनुरूप जो है भाषा का प्रयोग भी जो है यहाँ पे एक प्रकार से हम कह सकते हैं भाषा की सृजनात्मक जो है पहल बहुत ही जो है सृजनात्मक रूप जो हम यहाँ पे परिवेश के माध्यम से जो किया गया है बहुत ही सफलतापूर्वक जो है यहाँ पे किया गया है। और जैसे कि यहाँ पे संवाद भी बहुत सटीक वो बन पड़ा है और बहुत सरल भाषा और सहज भाषा के जैसे सर ने कहा था आरंभ में ही संबोधित किया है कोई यहाँ पे भाषा का जो है जटिलपन या भाषा की जो है कठिनाई या क्लिष्टता हमें नहीं दिखाई देती। यहाँ पे बहुत ही साधारण भाषा में या साधारण शब्दों में जो है संवाद या भाषाओं का जो स्वरूप दिखता है वही जो इस नाटक की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन पड़ा है। और साधारण रूप में ही और जिस प्रकार से पात्र भी जैसे आप लोग अभी जैसे रंगमंचीय दृष्टि से अगर हम देखें तो थिएटरिकल वे में हम देखें तो ये जो है बहुत ही अधिक जो है इनकी जैसे मोहन राकेश के जो भी रचनाएं हैं जैसे आधे अधूरे हुए जो आप अभी आपके सिलेबस में हैं और आपके अन्य जो उनकी लहरों के राजन्स हैं आषाढ़ का एक दिन है उनकी तीन नाटक है एक तो अधूरा रह गया है उनका जो पैर तली की जमीन है अधूरा नाटक है और ये पूर्ण जो तीनों पूर्ण नाटक है ये जो है रंगमंच की दृष्टि से भी बहुत अधिक सफल और सार्थक है। आगे आप स्कंद गुप्त को भी पढ़ोगे जयशंकर प्रसाद की तब आपको ये डिफरेंसेस बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि बहुत हालांकि सृजनात्मक
जो है साहित्यिक मूल्यवता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनके नाटक भी बहुत अधिक जो है सफल है, किंतु रंगमंच पर जो है उतनी अधिक जो है सफलता से जो है नहीं उतर पाए हैं। तो इस दृष्टि से जो है मोहन राकेश के नाटकों में हम कह सकते हैं जो थिएट्रिकल जो वे है उन तरीके से जो है मोहन राकेश के नाटक जो है बहुत ही सफल भी हुए हैं। और जैसे संवाद की अगर हम बात करें तो सब जैसे सरल है, सहज है और बिल्कुल साधारण भाषा में, और जो भी परिवेश आधारित है और बिल्कुल उस परिवेश पर ही सटीक बैठते हैं। तो यहाँ तक तो और यहाँ तक हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहुत ब्रीफ वे में मैंने समझाया है इसको। हेलो हेलो, जी मैडम, हाँ जी सर, अगर किसी को डाउट है या कुछ है, बहुत ही हाँ, सिंपल। अगर विद्यार्थी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मैडम से डायरेक्ट भी आप वार्तालाप कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी अपनी तरफ से उनके अगर कुछ प्रश्न है तो वो सीधे मैम से पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में वो लिख सकते हैं ताकि मैम उसका आंसर दे सकें, क्योंकि जो आज का विषय है वो बहुत ही जनमानस से जुड़ा हुआ है, साधारण इंसानों के जीवन पर आधारित है, तो ये स्वाभाविक है कि हम सब सभी को इस नाटक को समझने और पढ़ना चाहिए, क्योंकि और मैं स्टूडेंट लोग से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अगर कोई कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। मेरा भी ये पहला अनुभव है इस प्रकार से जो है डिजिटल वे में पढ़ाना पहला अनुभव रहा है, इसलिए पता नहीं चलता इसमें असमंजस रहता है कि सब जीवंत है कि नहीं है। जी, मेरा, लेकिन ये इसी तरह है जैसे मोहन राकेश जी ने हमारे आजादी के प्रारंभिक दशकों में जो ये नाटक लिखा कि अपने साधारण जीवन, एक मध्यवर्गीय परिवार के साधारण जीवन की जो कहानी को लोगों तक पहुंचाया बहुत ही सरल और बहुत सीधे साधे लफ्जों में, हाँ सीधे साधे भाषा में। तो आजकल हाँ की दुनिया का यही है कि हम जो ट्रेडिशनल पे हमारा पुराना पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था थी जो कि हम चेहरा देख के पढ़ाते थे, आज उसी का ये एक मूल एक बदला हुआ स्वरूप है कि हम आज मोबाइल के थ्रू से ही हम सब पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल, हम इसके इसे कह सकते हैं विकास की परंपरा की ओर हम जा रहे हैं। जी, मैम, ये और भी एक नक शिक्षार्थियों से फिर से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर आपके दिल में कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। जी मैम, यहाँ लक्ष्मीप्रिया मिश्रा जी एक कुछ पूछ रही हैं कि आधे अधूरे की भाषा संबंधी विशेषताएं क्या हैं? लक्ष्मी प्रिया, जी, हाँ, और भी प्रश्न आ रहे हैं मैम, लेकिन हम एक के बाद एक प्रश्न के ऊपर जाएंगे, तो पहले जी जी लक्ष्मीप्रिया जी मैम को। जी, हाँ, तो यहाँ पे भाषा की विशेषता के बारे में पूछ रही है लक्ष्मी प्रिया जी। जी तो यहाँ पे जैसे कि ये जैसे मैंने कहा या आप वाकिफ ही हैं कि ये आधे अधूरे जो नाटक है वो मध्यवर्गीय परिवेश से ताल्लुक रखता है या मध्यवर्गीय परिवेश के यथार्थ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो भी जैसे कि उनके संवाद में उनकी भाषा के जो प्रयोग है वो भी जो है बिल्कुल उन्हीं के अनुरूप होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे इस चीजों को ध्यान देते हुए मोहन राकेश ने जो है जो भी समकालीन या और मूलतः जो है भाषा यह होनी चाहिए कि वो समकालीन परिवेश या जिस परिवेश से के विषय में वो लिख रहे हैं भाषा उसी परिवेश से संबंधित हो, ये एक भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए, मूल विशेषता है। अगर भाषा की जिस परिवेश को आप लेकर लिख रहे हो और भाषा उससे पृथक या फिर बहुत अधिक जो है क्लिष्ट या फिर बहुत अधिक जो है जो है उनमें अधिक जो है कह सकते हैं कि संस्कृत में भरा हो या फिर बहुत लिहाजे से बहुत उच्च कोटि की भाषा हो या फिर बहुत अधिक जो है उस परिवेश
पर सटीक ना बैठने वाली भाषा, तो ऐसे में जो है पात्र और वो भाषा का जो सामंजस्य बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। तो ऐसे में तो यहाँ पे इस नाटक की विश्वसनीयता ही जो है उस भाषा पर टिकी होती है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाषा का प्रयोग करते हुए जो है बिल्कुल आप लोग जैसे लक्ष्मीप्रिया आपने पढ़ा है नाटक को, और उसमें जो है आप देख सकते हो बिल्कुल सामान्य जो है जो समकालीन जो है बोलचाल या फिर जो मुहावरे जो भाषा जो परिवेश जनक जो भाषा होती है उसी का जो है नाटक के माध्यम से जो है उन्होंने अभिव्यक्ति यहाँ पे की है, उसी भाषा का प्रयोग जो है यहाँ पे किया। और मोहन रागेश के संबंध में कहा भी जाता है कि उनकी उनकी नाटकों में जो समकालीन मुहावरे और बोलचाल की सृजनात्मक भाषा है, इसी कारण से जो है यह जो है उनकी नाट्य के अभिव्यक्ति जो है उसको मिली है और काफी हद तक जो है वो सफल भी हुई है। ठीक है, और इसी जो शब्द है या फिर जो भी उनमें जो है भाषा का जो प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल जो है उस परिवेश को या उस टूटन को, इस बिखराव को जो है जो है सार्थकता से या संजीवता से जो उसको बयान कर सके, या उस संघर्ष को या फिर उस जो बौखलाहट को जो भाषा जो है उसको बयान कर सके, वही जो है जीवंत भाषा होती है। और यहाँ पे मोहन राकेश ने इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए जो है इस भाषा इस नाटक को जो है बहुत अधिक जो है जीवन या बहुत अधिक जो है मध्यवर्गीय परिवार की जो है सार्थक अनुरूप में ढालने का प्रयत्न उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजमर्रा की जो प्रचलित जो प्रतीक है या जो भाषा सॉरी जो भाषा चली आ रही है उसी भाषा का जो है उन्होंने इसमें प्रयोग जो है इस आधे अधूरे में किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे पास और 3 प्रश्न आए हैं। तो पहला प्रश्न प्रीति जी की तरफ से है कि मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे की नाट्य शिल्प की विशेषता के बारे में आपसे वो कुछ बताइए, इसलिए चाहती हैं। नाट्य शिल्प की विशेषता के बारे में। हाँ, नाट्य शिल्प अगर हम देखें तो मोहन राकेश की जो है नाट्य शिल्प की बात करें तो उन्होंने जो है मोहन राकेश के नाट जो है उन्होंने जो है नाट 4 नाटक उन्होंने लिखे हैं। नाट्य शिल्प की बात करें तो ठीक है, तो उनमें जो है सबसे पहले जो है उनके नाटक नाट्य शिल्प या नाट्य कर्म की बात कर रही है। नाट्य शिल्प, जी मैम, नाट्य शिल्प के बारे में उन्होंने पूछा है। अच्छा, तो यहाँ पे नाट्य शिल्प के बारे में तो उतना स्पष्ट रूप से जो है मैं अभी कह पाने में असक्षम हूँ। दूसरे क्लास में मैं आपकी जो है क्लियर कर दूंगी, ठीक है, अच्छी तरह जी से। जी मैम, धन्यवाद। और एक प्रश्न है सागरिका जी की तरफ से कि ये जो नाटक है इसका शीर्षक आधे अधूरे नाम ही क्यों रखा गया? क्या है नाटक का नाम जो है आधा अधूरा जी ही जी क्यों रखा क्यों गया है इसको? क्यों रखा गया है? ठीक है, तो जी यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि आधे अधूरे का तात्पर्य होता है यहाँ पे इनकम्प्लीट या फिर आधा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परिवेश या जो समाज को उन्होंने लिया है, एक मध्यवर्गीय समाज को जो लिया है उन उनमें हम देख जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये सारे जो तमाम लोग हैं इस समाज के, ये जो है किसी ना किसी रूप में जो है अभिशप्त जिंदगी जीने की जो है को जो है अभिशप्त जिंदगी जीने के लिए जो है एक प्रकार से जो है वो आदि हो चुके हैं। और इस प्रकार से इस जो है नाटक में जैसे मोहन राकेश ने जो शीर्षक दिया है आधे अधूरे, इसमें आप देख सकते हो कि मूल रूप से जो सामान्य वर्ग से ही संबंधित है, और वे जो है और हर एक जो है यहाँ पे मनुष्य, जैसे आप वहाँ पे देख सकते हो कि सारा मनुष्य यहाँ पे जो जैसे सावित्री है या फिर जो है उनका पति महेंद्रनाथ है, हर कोई जो है यहाँ पे अपने आप में ही जो है आधा है और अधूरा भी। ठीक है, किंतु जो है वे अपने
विडम्बना यहाँ पे यह है कि ये जो है स्वयं तो आधे अधूरे होने के बावजूद भी जो है अपने अधूरेपन या अपने आधे अधूरेपन को जो है बर्दाश्त नहीं करते हैं, और एक प्रकार से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वे जो है और एक दूसरे के प्रति परस्पर जो है विद्रोही भाव जो है उनमें होता है। विशेषकर सावित्री को आप देख सकते हो, सावित्री जो पात्र है वो जो है खुद भी जो है अपने आप में वो पूर्ण नहीं है, ठीक है, और उसको जो है अपने पति महेंद्रनाथ जो है उसको एक पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण पुरुष नहीं दिखाई देता है, और वो जो है पूर्ण पुरुष की तलाश में कभी जो है जुनेजा, कभी शिवजीत, कभी कभी जो है जगमोहन आदि आदि पुरुष से जो है उनका संपर्क होता जाता है, या मनोज हम कह ले, हर किसी में उनको कुछ ना कुछ विशेषता दिखाई देती है। और अंततः जो है यहाँ पे मोहन राकेश यही कहना चाहते हैं कि पूर्णता जो है किसी भी पुरुष में नहीं है, यहाँ पे सामंजस्य से या आपसी जो है संतुलन या समीकरण के द्वारा ही व्यक्ति अपने आप को पूर्ण कर सकता है, ठीक है। तो वो स्त्री जो है हर किसी में पूर्णता या पूर्ण पुरुष की तलाश करती रहती है, किंतु उसको जो है कहीं भी जो है वो संतुष्टि या फिर वो जो है पूर्णता उसको जो है प्राप्त नहीं होती है। और अगर आप नाटक पढ़े हैं तो पुरुष चार के संवाद के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुरुष चार जो है पुरुष चार यानी जुनेजा उसको कैसे समझाता हुआ कहता है कि कभी तुम इसके साथ कभी उसके साथ में थी, कभी इस पुरुष के, लेकिन कहीं भी जो है पूर्णता जो है तुमको नहीं मिली, यानी कि सब तो महेंद्र से भिन्न थे लेकिन फिर भी जो है वे जो है पूर्ण नहीं थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है अपनी अपूर्णता को भूल जाता है और दूसरे की अपूर्णता को लक्ष्य करते हुए वो जो है पूर्णता की तलाश करता रहता है, और ये जो है पूर्णता मनुष्य को कदापि जो है या फिर जो है निश्चित रूप से जो है प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह जो है अपने आप में हर एक मनुष्य क्या है अधूरा ही है, और ये जो है तब जो इसमें जो है संतुलन एक सामंजस्य बना के ही जो है हम अपने आप को जो है एक जो है संभावना पर एक जो है कह सकते हैं एक संभावित जीवन की ओर हम अपने आप को जो है ले जा सकते हैं। इसीलिए जो है इसी समाज की या फिर कह ले कि जो मध्यवर्गीय समाज की जो अधूरेपन है, जो अपूर्णता है, उसको ही लक्ष्य करते हुए मोहन राकेश ने यहाँ पे मध्यवर्गीय परिवार के अधूरेपन को या उसके जो है जो उनकी जो है पात्रों के माध्यम से उनके इन सभी जो है उनकी जो भी परिस्थितियां उनको जो है यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया। और इसका ये है कि ये यथार्थ है, आज के मानव का यथार्थ है, ठीक है, कोई भी मनुष्य जो है अपने आप में, इसीलिए जो है यहाँ पे मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक का शीर्षक जो है यहाँ पे शीर्षक के रूप में जो है लिया है इसी पूर्णता को या अपूर्णता को जो है दिखाने के लिए। और मुझे लगता है कि ये नाटक जो है काफी हद तक जो है नाटक का जो शीर्षक है काफी हद तक जो है सार्थक बन पड़ा है इस नाटक के लिए। जी मैम, ये हमारे पास एक आखिरी सवाल है वसुंधरा जी की तरफ से कि जो आधे अधूरे जो ये जो नाटक है जब इसको रंगमंच में निभाया गया तो इसमें किस प्रकार की समस्या और चुनौतियां हमारे सामने आई या फिर विचार पे आया था? रंगमंच, देखो जो भी नाटक की सफलता जो है पूर्णता रंगमंच पर ही निर्भर करती है कि वो नाटक जो है कितना सफल है और कितना जो है असफल है। और मोहन राकेश की जैसे मैंने कहा कि रंगमंच पर जो है ये नाटक जो है आसानी से इवन जो है आराम से जो है खेला जा सकता है, इस पे जो है अभिनय जो है अन्य नाटकों की जैसे स्कंदगुप्त की बात मैंने की थी, स्कंदगुप्त आप इस नाटक की तुलना में देखे तो काफी जटिल नाटक है। और इस नाटक में प्रश्न क्या था सर, मैं दोबारा से जान सकती हूँ? जी मैम, कि जब ये आधे अधूरे नाटक को रंगमंच में निभाया गया तो किस प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां सामने आई थी, उस पे ये विचार की आपको पूछ रहे हैं। अच्छा, किस प्रकार की समस्या और चुनौतियां नाटक और चुनौतियां जी हाँ हाँ
किसी भी नाटक को हमें कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ता है किसी भी नाटक को रंगमंच खेलने से, क्योंकि नाटक जो भी रंगमंच पे खेला जाता है वो जीवंत होता है, यानी कि हम उसको प्रत्यक्ष रूप से जो है घटित होते हुए देख सकते हैं अपनी आंखों के समक्ष, जो भी जो है समस्याएं या जो भी चीजें हैं ठीक है जो हमारे यथार्थ जीवन में घटती है उसको हम समक्ष रूप से जो है अपनी आंखों के सामने जो है विघटित घटित होता हुआ जो है देख सकते हैं। तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जैसे भाषा हो गए, पात्र हो गए हैं, तो ये सारे जो है चीजों का ध्यान यहाँ पे रखा जाना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे भाषा की दृष्टि से मैं कहूंगी कि मोहन राकेश के जो नाटक है भाषा की दृष्टि से काफी सक्षम है, और वही जो है पात्र भी इतने अधिक नहीं, जैसे यहाँ पे खुद जो है पात्र यहाँ पे एक पात्र की भूमिका में जो है एक पात्र ही जो है चार पात्र की जो है भूमिका में नजर आते हैं। जैसे ओम शिवपुरी जो है यहाँ पे इस नाटक के जो है प्रख्यात रंगकर्मी है, निर्देशक और अभिनेता भी है, तो उन्होंने वो भी जो है वो जो है स्वयं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष और जो है चौथे पुरुष के रूप में जो है यहाँ पे दृष्टिगत होते हैं। तो यहाँ पे पात्र की बात की जाए तो पात्र की अधिकता या फिर लंबे चौड़े जो है नाटक ये सारे जो है नाटक के रंगमंच के क्षेत्र में जो है समस्या उत्पन्न करती हैं, या फिर रंगमंच में जो है खेले जाने के लिए जो है इस नाटक किसी भी नाटक में जो है पात्रों की जो है एक सीमितता होनी चाहिए, या फिर कह ले कि जो जो कलेवर होता है जो नाटक का वो भी जो है किसी ना किसी रूप में जो है सीमित होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वे जो है कई कई घंटे बैठ के जो है नाटक को देख सके, और इसलिए जो है नाटक को जितना हम हो सके उतना ही जो है कम या सीमित समय में उनको हम अगर जितना दिखा सके तो वो ज्यादा सार्थक बन पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है मैं अपने खुद के विचार यहाँ पे साझा कर रही हूँ कि मोहन राकेश के जो नाटक है इस दृष्टि से इनमें समस्या नहीं होनी चाहिए कि जहां तक इनके जो है रंगमंच में खेले जाने की को लेकर, क्योंकि यहाँ पे पात्र भी इतने अधिक नहीं है और संवाद की भी ऐसी भाषा की भी ऐसी कोई समस्या नहीं है, जटिलताएं आपको कहीं नहीं दिखाई देगी कि प्रत्यक्ष रूप से भी सुनकर जो है व्यक्ति या दर्शक जो है इसको समझ नहीं सके, और जहां तक कलेवर की बात है नाटक की तो वो भी जो है इसको हम जो है समय के आधार पर हम इसको और जो है संक्षिप्त करके इसकी प्रस्तुति कर सकते हैं, अन्यथा जो है कलेवर भी इतना बड़ा या लंबा चौड़ा नहीं है कि इसको जो है रंगमंच में प्रस्तुति करने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या हो। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और अगर कुछ और है तो स्टूडेंट पूछ सकते हैं, लेकिन मैम ने हर सवाल का बहुत अच्छा से जवाब दिया, और इस संदर्भ में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि जैसे मैम आपने बताया कि मोहन राकेश जी इसमें जब दूसरों की बुराई ना देखते हुए लोग अपनी बुराई ना देखते हुए दूसरों के अंदर कमियां देखते हैं, इस तरह हर इंसान को मोहन राकेश जी ने बस यही एक सूचना देनी चाहिए, बस यही लोगों को एक मैसेज दिया कि अपने अंदर भी हमको झांक के देखना चाहिए, ताकि हम दूसरों की तरफ जब उंगली उठा रहे हैं तो तीन उंगलियां हमको भी पॉइंट आउट कर रही हैं, तो हमको खुद को भी हमको एक बार देखना चाहिए कि हम संपूर्ण हैं कि या नहीं। क्योंकि हम सब मनुष्य है और मनुष्य अपने आप में, हाँ जी सर हम कभी कभी पूरी बस ये एक नाटक मध्यवर्गीय परिवार के ऊपर लिखा गया है, पर ये एक सच्ची बात है कि ये नाटक सिर्फ मध्य परिवार तक सीमित नहीं रहता, ये पूरी मानव जाति के ऊपर पॉइंट आउट करता है कि हम सबको खुद को देखना चाहिए। जी क्योंकि अगर हम खुद को संतुष्ट कर रहे हैं कि हम परफेक्ट हैं, जी क्योंकि मनुष्य होने के नाते हम जो है कभी पूर्ण नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ जो है लैकनेस जो है हमें बनी रहती है, तो हम जो है किसी के साथ में हम अपने आप को पूर्ण करने का सामंजस्य बिठाते हुए हम अपने आप को पूर्ण कर सकते हैं, ना कि किसी पे आरोप या प्रत्यारोप लगाकर जो है हम किसी की कमी या खामियों को दिखाने के बजाय हम खुद जो है अपने आप में मनन चिंतन जिसे हम कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है आज के मानव के लिए, क्योंकि हम अपने आप को अपने जीवन को अपनी दृष्टिकोण को अपनी विचार दृष्टि को हम नहीं समझ पाते,
किंतु जब दूसरे हम उंगली कुछ बोलते हैं तो हम या कुछ करते हैं या उनकी जो खामियां होती है जो भी होती है तो हम उन पे जो उंगलियां उठानी लग जाते हैं। तो वास्तव में सर आपने सार्थक बात कही है कि ये जो है केवल मध्य वर्ग या समाज की समस्या नहीं है, ये हर एक उस वर्ग या हर एक मनुष्य की जो है समस्या है, ये मात्र जो है मध्य वर्ग जी बिल्कुल परिवेश की जो है समस्या नहीं रह गई है। तो इसीलिए भी सर इसीलिए इस नाटक जी को जी जो है बिल्कुल इस नाटक की सार्थकता ही जो है अपने आप में जो है अनुपम रही है इसी कारण से, क्योंकि ये मध्यवर्गीय परिवार हम कह तो रहे हैं परिवेश से लिया गया है, हालांकि एक जो है परिवार को जो है दृष्टिगत या एक विशिष्ट परिवार को लेकर लिखा जरूर गया है, किंतु ये वास्तविक रूप से पूरी मानव लोगों पर या मानव जाति पर जो है इस नाटक का जो है हम असर या फिर इस नाटक की प्रवृत्ति हम देख सकते हैं। जी मैम, इसका एक ये भी कारण हो सकता है मैम, क्योंकि जो जिस समय काल में ये नाटक लिखा गया, अगर उच्च जो वर्ग के लोगों पे अगर ये नाटक लिखा जाता तो कहीं ना कहीं इस नाटक पे प्रतिबंध लगने का एक समस्या उत्पन्न हो सकती थी। और जी अगर जी नीच जो निम्न वर्ग श्रेणी है उन पे अगर ये नाटक लिखा जाता तो शायद लोग इस नाटक को इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि निम्न वर्ग के लोगों के साथ वो लोग ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए मोहन राकेश जी ने मध्य वर्ग को चुना, क्योंकि मध्य वर्ग जो है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के अंदर एक संतुलन बनाए रखता है। तो उन्होंने जी भी अपना ये जो मैसेज है मध्य वर्गीय परिवार के द्वारा ही देना चाहा, और ये जी नाटक बहुत दूर तक सफल रहा। और हाँ आज हाँ कई थिएटर आर्टिस्ट इस पे काम कर चुके हैं, और 2014 में भी जीटीवी पे एक आधे अधूरे नाम का एक ड्रामा इसके ऊपर आधारित हो चुका है, जो 105 एपिसोड का है। जी तो जी 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 और बहुत ये ही नाटक बहुत दूर तक सफल रह चुका है मैम। हाँ हाँ जी बहुत मैम ही जी जी सर। और इसमें भी आप बहुत सारे ऐसे मैं कुछ कुछ बहुत सारे एन वक्त पे मुझे याद भी नहीं आ रहा था जब मैं कह रही थी, क्योंकि अक्सर होता है कि आप कुछ, क्योंकि पहली दफा है मेरा यहाँ पे इस तरह से डिजिटल वे में प्रस्तुति, जी मैम और एन वक्त पे बहुत सारी चीजें ऐसी मुख्य बातें, जैसे महेंद्रनाथ खुद को कहता है कि मैं एक रबर के स्टम्प मात्र हूँ या फिर रबर का टुकड़ा है, ये सब ऐसे जी बहुत ही मार्मिक चीजों को जो है बीच बीच में मोहन राकेश ने उठाया है, बहुत ही मार्मिक तरीके से उठाया है सब चीजों को, कि आखिर जी मनुष्य बिल्कुल आज के दौर में है क्या, वो अपने आप को कहाँ किस जगह पाता है, ये भी बहुत मायने रखता है। और कहीं ना कहीं जी जो है मैम हम अपने स्टेटस, ये भी क्योंकि बहुत सारे संकेत रूप में अगर आप देखो तो नाटक के भीतर ही जो है अगर स्टूडेंट जिन लोगों ने पढ़ा है इस नाटक को तो उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से वो जो है अपने स्टेटस को, लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए किस प्रकार के नैतिक मूल्यों, अपने जो है असंवेदनशील अपने मानवीय भावनाओं को किस प्रकार से पीछे छोड़ते जा रहे हैं, इन सारी चीजों का बयान जो है ये आधे अधूरे में हमको देखने को मिलता है मोहन राकेश के माध्यम से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्टेटस आप देख सकते हो कि सावित्री अपने रुतबे को या अपने एक मध्यवर्गीय परिवार की जो स्टेटस को जो मेंटेन करना चाहती है, फिर अपनी लोगों के जिस प्रकार से लोगों से उठना बैठना ना उनका, जैसे उनका जो सिंघानिया है जगमोहन है, तो इन प्रकार के लोगों के साथ उठते बैठते जो है वो उनकी अपनी खुद की स्थिति को जो है वो और अधिक जो है बढ़ाना या कुछ और अधिक पाना चाहती है, और उस चक्कर में वो कहीं ना कहीं ये भूल जाती है कि उसका भी अपना एक परिवार है या अपनी अपनी जो संतानें हैं जिनको जो है साथ लेकर चलना, और इस प्रकार से जो है जैसे वो अलमारी का उनका खोलना, कई प्रकार के पर्स देखना, मोतियों को देख मोतियों की माला चुनना और चप्पलें सैंडल्स वगैरह का चुनाव करना, ये सब ये दिखाती है कि किस प्रकार से लोग अपनी स्टेटस को मेंटेन करने में जी तोड़ से लगते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो इस प्रकार की स्थिति जो है आज के मध्यवर्गीय परिवार में हमको दिख रही है। मध्यवर्गीय परिवार क्या, हर एक मनुष्य के साथ में हमको दिखाई दे रहे हैं कि वो नहीं सोचते कि हम अपने ही जो सीमित संसाधन है उसमें किस प्रकार से खुश रह सके, ये इनके जो है जो मथे जो है बिल्कुल नहीं पड़ता, ये और अपने जैसे अपने आप को जो है और अधिक पाने के चक्कर में जो है, जैसे मैं कह रही थी कि उसके हाथ में जो अंततः कुछ नहीं आता, मात्र जो है मुट्ठी खाली रह जाती है, जो भी बचा कुचा उनके हाथ में या मुट्ठी में रहता है वो भी रेत की तरह जो है उनके हाथ से फिसल जाते हैं, यही स्थिति जो है स्त्री के माध्यम से हम यहाँ पे देख सकते हैं सावित्री के माध्यम से। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये समाज के लिए बहुत बड़ा एक ये मैसेज है, और हम सबको इसको ग्रहण करना चाहिए, और इसको वास्तविक रूप में हमको इसको ग्रहण करना चाहिए कि हमारी जिंदगी किस ओर जा रही है, और हमको अपनी जिंदगी को किस ओर लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए।
सही है, सार्थक है सर, क्योंकि हम अपनी चीजों से अपने आप से ही खुश नहीं है, वास्तविक बात तो यही है। यही चीज जो है यहाँ पे सावित्री के माध्यम से स्पष्ट रूप से जो है लेखक मोहन राकेश ने यहाँ पे इस कक्षा को बंद करना चाहे अगर जी। और किसी का कुछ डाउट हो हम अगली कक्षा में भी सर अगली कक्षा में भी चर्चा कर सकते हैं, हो सके तो। हेलो विद्यार्थियों का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को ओवर कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो, विद्यार्थी सुन हाँ रहे जी हैं? मैम आपकी आवाज आ रही है। तो आज की कक्षा यही खत्म होती है और आने वाली कक्षा में हम एक नए विषय के साथ एक नए हमारे विशेषज्ञों के साथ हम आपके सामने फिर से आएंगे। मैं बहुत बहुत प्रवीणा मैम का बहुत बहुत आभारी हूँ और उसी के साथ हमारे देवाशी बारिक जो हमारे टेक्निकल सपोर्टर हैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और सारे स्टूडेंट्स को मेरी शुभकामना है और सबसे अनुरोध है कि वो इस कक्षा में आए फिर से और जो भी अपना कुछ अगर डाउट है वो मैडम से या जो भी हमारे विशेषज्ञ होंगे उनसे वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद सर, धन्यवाद कि धन्यवाद मौका मैम, धन्यवाद। धन्यवाद।